गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सारणिक के अंतर्गत उपसारणिक और सहखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र देखें, उपसारणिक किसे कहते हैं, जिसमें यदि हमने ए आई जी अवयव लिया तो जो अवयव आई भी पंक्ति और जे भी पंक्ति को हटाने पर जो अवयव बचते हैं उसको, उसके जो हम सारणिक बनाते हैं उसको उपसारणिक कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हम इसका तुलना करते हैं, ये कहते क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारणिक आपका, इसको हम इससे तुलना करें व्यापक सूत्र से, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये है आपका। तो हम यहां देखते हैं, सबसे पहले A11 का उपसारणिक, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे M11 से, इसका मान कितना हो जाएगा M11 बराबर M11 क्या होगा। अब बच्चे देखो कि A11 जो अवयव है तो हम क्या करेंगे, उसकी यह पंक्ति और ये कॉलम इन दोनों को हटा देते हैं, तो बाकी जो अवयव बचते हैं उसका हम सारणिक बनाते हैं। तो यहां पर A11 पहली रो पहला कॉलम पर क्या अवयव, कौन सा अवयव, 1, तो हम क्या करेंगे इसकी पंक्ति के अवयव और कॉलम के अवयव हटा देंगे, तो क्या बचेगा M11 = 5 6 8 9, क्लियर। अब हम दूसरा लेके चलते हैं M12 क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो में और दूसरे कॉलम में क्या है, 2, तो हम 2 जिसमें बिलोंग कर रहा है वो वाली पंक्ति को और ये वाला कॉलम को हटा देंगे, तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, 4 7 6 9, फिर इसके बाद आएगा आपका M13 में क्या होगा, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरे कॉलम में 3 है, तो 3 जिसमें बिलोंग कर रहा उस पंक्ति को और इस कॉलम को हटा देंगे, तो आपके अवयव कौन कौन से बचेंगे, 4 7 5 8, इसके बाद M21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 है, तो 4 को बिलोंग करने वाले अवयव छोड़ देंगे और पंक्ति छोड़ देंगे कॉलम, तो कौन कौन से अवयव बचेंगे, 2 3 8 9, यहां लिख दीजिए 2 3 8 9, इसके बाद M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5 है, तो 5 वाली पंक्ति और 5 वाला रो को छोड़ देंगे, तो अब आप कौन कौन से बचेंगे, 1 3 7 9 इसी प्रकार बाकी अवयव का भी सभी छात्र निकाल लेंगे, समझ गए होंगे कि हमको उपसारणिक कैसे बनाना है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अब हम यहां पर सहखंड की बात कर रहे हैं, सहखंड क्या होता है, इसको हम ए आई जे से व्यक्त करेंगे, ए आई जे -1 की पावर i + j m i j, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो हमको एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है, तो इसकी तुलना हम इससे करिए, आपका जो उपसारणिक है 1 -2 4 3, तो यह जनरल रूप में अगर लिखना चाहे तो कैसा होगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो अब आप देखेंगे A11
उपसारणिक, ए वन वन का उपसारणिक, इसको कैसे डिफाइन डिनोट करते हैं, एम वन वन कैसे डिनोट, एम से करते हैं एम वन वन। तो एम वन वन क्या होगा कि पहली रो पहला सफिक्स क्या है, वन वन, वन वन आना है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम में कौन सा व्यवहार आता है, एक। तो इसका यहां मतलब हो जाएगा कि एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक में क्या करेंगे, एक जिस पंक्ति और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे, तो एक वाली पंक्ति छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, थ्री, ये थ्री आ गया। फिर उसके बाद माइनस टू लेके चलते हैं, तो माइनस टू का उपसारणिक, इसको हम बोलेंगे एम वन वन। तो माइनस टू, तो माइनस टू वाली पंक्ति और माइनस टू वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये माइनस टू है, ये पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो हमको मिलेगा फोर, जो है आपका है एम वन टू इक्वल टू फोर। फिर तीसरा अवयव है फोर, फोर का उपसारणिक, फोर कहां पर है, एम टू वन, तो फोर जहां पर है तो वह वाली पंक्ति फोर थ्री वाली पंक्ति और ये माइनस वन फोर वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, माइनस टू। और अब एक और आखिरी बचा तीन का उपसारणिक, तीन का उपसारणिक क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एम टू टू इक्वल टू वन। ये आपके क्या है, उपसारणिक है, ये आपकी जो निकाली हमने क्या है, ये उपसारणिक। अब हम क्या करेंगे, इनके सहखंड निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, सहखंड, और सहखंड को कैसे डिफाइन करते हैं, ए आई जे। तो ए आई जे है ना, ए वन वन, ए वन वन कितना हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन, तो माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू और एम वन वन। तो हम देखते हैं कि माइनस वन की पावर टू रहता है तो क्या पॉजिटिव रहेगा, एम वन वन, और एम वन वन का मान कितना है, यहां देखो थ्री, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए वन वन इक्वल थ्री। अब हम निकालेंगे ए वन टू, ए वन टू कितना होगा, माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू, और यह कितना हो जाएगा, माइनस एम वन टू। अब एम एम वन टू देखिए कितना है, फोर है, और यहां माइनस लगा है इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस फोर। अब इसके बाद आते हैं ए टू वन, ए टू वन कितना होगा, माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन माइनस एम टू वन, तो टू वन एम टू वन कितना दिया था हमारा, माइनस टू, तो माइनस 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 टू इक्वल प्लस टू। फिर आता है ए टू टू, ए टू टू कितना होगा, माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू, यह आ जाएगा आपका प्लस एम टू टू, ठीक है, इसका मान कितना है, एक। तो हम ये देखते हैं कि उपसारणिक और सेकंड में क्या अंतर है, उपसारणिक में आपके जो सारणिक होते हैं वो आते हैं, और सहखंड में क्या करते हैं, यदि वो उपसारणिक का सफिक्स का योग विषम है तो वो ऋणात्मक रहेगा, और यदि सफिक्स का योग सम है इवन संख्या है तो वह उपसारणिक और सहखंड बराबर होंगे, ठीक है। तो सिर्फ चिन्ह का अंतर आता है कि विषम सफिक्स होने पर वहां पर ऋण चिन्ह लग जाएगा, उपसारणिक में ऋण लगाने पर सहखंड बन जाएगा, और यदि सफिक्स का योग सम है तो उपसारणिक और सहखंड दोनों एक होंगे और दोनों के मान बराबर होंगे। तो ये अंतर आता है, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे सफिक्स टू वन
इसका योग ऋण विषम संख्या है तो यहाँ पर इसका ऋण चिन्ह आ रहा है, यानी ऋण दो का ऋण लगाने पर धन दो आ रहा, ठीक है। और वन टू में चार है और सेकंड में ऋण चार है, क्योंकि सफिक्स जो है उनके योग जो है विषम संख्या है। तो जी हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया है, समझ गए होंगे। अब हमको एक क्वेश्चन है, इसमें उपसारणे को सेकंड ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं पहले का। तो पहले जैसे दो का उपसारणे, दो का उपसारणे के लिए आप सीधे करिए कि दो जहां पर है उसकी पंक्ति और कॉलम को हटा दिया, तीन। ऋण चार का उपसारणे, तो ऋण चार में कि पंक्ति और कॉलम छोड़ेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो। फिर इसके बाद जीरो का उपसारणिक, तो जीरो के सामने का अवयव जो है माइनस फोर है। और इसके बाद थ्री, थ्री का उपसारणिक, तो थ्री के सामने टू है, ठीक है। तो ये आपका उपसारणिक हो गया। अब हम आते हैं सेखंड, इसको हम किससे डिफाइन करेंगे, सेकंड ए वन वन। ए वन वन का मतलब होता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन, क्लियर। तो यह आ जाएगा एम वन वन, वन वन यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थ्री। इसके बाद ए वन टू, ए वन टू कितना होगा माइनस एम वन टू, क्यों हमने बताया था कि विषम समक्ष हो तो उनका योग माइनस होता है। तो वन टू, वन टू यानी सेकंड में ए वाला है माइनस फोर, यहाँ आ जाएगा माइनस जीरो, यानी जीरो। ए टू वन, ए टू वन कितना होगा माइनस एम टू वन, तो टू वन पर क्या है आपका जीरो। जीरो का उपसारणिक कितना माइनस फोर, यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस फोर इक्वल फोर। फिर इसके बाद ए टू टू कितना हो जाएगा प्लस एम टू टू, ठीक है। और यहां पर थ्री है तो थ्री का उपसारणिक कितना होता है प्लस टू। ये आपके ये उपसारणिक है और ये सेकंड है, तो दोनों में अंतर समझ गए बच्चे, इसको बहुत इजी है। तो आप इसी तरह से आप सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करिए और बहुत इजी बन जाएंगे आपसे, तो सभी करके हमको चेक कराएंगे। थैंक यू।